नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कोर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उत्तराखंड बीजेपी में आखिरकार क्या चल रहा है, इसको लेकर लगातार जो है लंबे समय से सियासी गलियारों में हलचल बनी हुई है। जब से लोकसभा चुनाव का रण बीजेपी जो है 5 सीटों पर जीती है, उसके बाद से आप सोचिए कि पार्टी में जीत का जश्न मनाने की बजाय किस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है, ये सबने देखा। किस तरीके से पार्टी में जो है महाघमासान महाभारत मचा हुआ है, ये दरअसल तस्वीरें सब अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप अपने यूट्यूब पर तमाम खबरों के जरिए देख रहे होंगे। और दरअसल मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये दरअसल पिछले लंबे समय से जिस तरीके से अगर हम चाहे मंगलौर और बद्रीनाथ जो है उपचुनाव हुआ था जिन सीटों पर, किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद किस तरीके से जो दिल्ली में तमाम जो बैठकों का दौर चल रहा है, तमाम जो उत्तराखंड के नेता हैं वो दिल्ली दौड़ में लगे हुए हैं। अभी तक जो है लगातार सिलसिला नेताओं का जो है दिल्ली पहुंचने का जारी है। सबसे पहले धन सिंह रावत जो है वो दिल्ली पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद जो रमेश सिंह पोखरियाल पहुंचे थे, वो दरअसल नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीएल संतोष, उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे, नीति आयोग की बैठक थी, सीएम कॉन्क्लेव था, तमाम जो है मसलों को लेकर। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसके बाद गणेश जोशी पहुंचे, तो लगातार जो है नेताओं का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हो रहा। और इसके पीछे तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दो बड़े नेताओं का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया था, अब क्या उसका रिवॉर्ड उन्हें दिया जाए, इसको लेकर ये दौर धूप चल रही है। या फिर जिस तरीके से बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से पौड़ी के जो पूर्व सांसद थे तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया कि नेताओं को जो है आप सलाह मशवरा कर आगे बढ़िए, संगठन को समझिए, कार्यकर्ताओं को समझिए, चीजें थोपने का काम ना किया जाए, ये दरअसल जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को जाहिर कर ही जता दिया कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कई खेमे बीजेपी में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से ढकने का काम किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से निकाय चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी के नेताओं की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि अब जो है बीजेपी में, प्रदेश की बीजेपी में जो है दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो चुकी है। क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लोग, जो उनके नेता अपने हैं खासम खास, क्या वो ही पसंद नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि धन सिंह रावत जिस तरीके से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद जिस तरीके से धामी से उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और चुफाल साहब भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, तो तमाम तरह की जो सरगर्मियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे में अभी सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं क्या ये जो हालात उत्तराखंड बीजेपी में बन रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो त्याग किया उसका जो है रिवॉर्ड मांगा जा रहा है, क्या उसको लेकर अब नेताओं की दौड़ धूप चल रही है, या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर क्या उनके अपने नेता खुश नहीं हैं, क्या उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, क्या ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि मैंने देखा कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मेरे सामने ही जो है वो आगे बढ़े हैं, किस किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया ये मैंने देखा है, तो उनकी बातों में, उनके बयानों में कहीं ना कहीं कोई टीज, क्या आपको भी टीज दिखाई पड़ी क्या? क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री थे और उन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे में सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि रमेश सिंह पोखरियाल का टिकट कटा, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो मिथक की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर सामने आ रही थी, क्या वो मिथक अब टूटने वाला है? क्योंकि पिछले कई लंबे समय से अगर हम देखें तो पार्टी नेताओं में खींचतान की स्थितियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बद्रीनाथ सीट पर भी अगर देखा जाए तो जो राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया गया था, उसको लेकर भी लगातार बयानबाजी जो है शोरगुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि हमसे पूछा नहीं गया इसलिए हम जो है हम हार गए। खुद महेंद्र भट्ट ने यह बयान दिया कि मुझे उन्हें शाम तक नहीं पता था कि उनका नाम सामने आने वाला है। तो क्या ये यहां पर दौड़धूप उत्तराखंड बीजेपी में चल रही, दरअसल ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और निकाय चुनाव को लेकर हालांकि बीजेपी जरूर ये कह रही है कि चाहे केदारनाथ सीट में होने वाला उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, वो जो है बीजेपी प्रचंड
बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां उत्तराखंड बीजेपी में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आपको क्या लगता है ये जो खींचतान चल रही है देहरादून से लेकर दिल्ली तक, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, ये क्या मायने उत्तराखंड की राजनीति को बताते हैं बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए? क्योंकि प्रदेश में सिर पर चुनाव है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिस तरीके से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, इन मसलों से निपटने की बजाय जिस तरीके से नेता दिल्ली की दौड़ धूप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ऐसे में ये तस्वीर बदलती हुई उत्तराखंड की दिखाई पड़ती है क्या? क्या उत्तराखंड में बीजेपी की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है? बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है? जो पूरी पटकथा चल रही है उत्तराखंड बीजेपी की, जो तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरह से नेताओं के तल्ख तेवर सामने आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, अब आगामी समय में निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या जो एकजुटता ना होने का दंश कांग्रेस पार्टी को लगातार दिया जा रहा था, क्या बीजेपी में भी एकजुटता ना होने की वजह से बार बार क्या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है? हालांकि उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जरूर जीती, लेकिन जब उसके बाद उपचुनाव की बारी आई, चाहे मंगलौर का रण हो चाहे बद्रीनाथ का रण हो, किस तरीके से जो है दोनों सीटों पर बीजेपी ने हार का सामना किया ये हम सब ने देखा। हालांकि मंगलौर सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी जरूर दिखाई पड़ी है, लेकिन हार तो हार होती है, और इस हार का ठीकरा क्या नेता एक दूसरे पर फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आपकी राय है कि सर पर निकाय चुनाव का रण होने के बावजूद नेता क्यों एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में जो सेक्रीफाइस नेताओं ने किया उसका परिणाम, उनका जो है रिजल्ट उनको नहीं मिला, क्या उसकी वजह से लड़ाई हो रही है, या फिर कोई आपसी मनमुटाव के चलते लगातार जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।